पहला स्टॉक है आईएक्स का। यहां पर ध्यान रखिए, करीब 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आईएक्स में खरीदारी करनी चाहिए, एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, ध्यान रखिएगा। पोजीशन ट्रेड लीजिए तो वो बेहतर रहेगा। 183 183 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। मेरा समझना है कि अब आपको जो नए टारगेट सेट करने हैं वो 198 से 200 की रेंज में होंगे, तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। और दूसरा स्टॉक है एलएनटी फाइनेंस का, एलटीएफ आप कहने लगे हैं उसको। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही पैटर्न है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट पे वॉल्यूम देखने को मिले हैं, 190 का भाव चल रहा है। करंट लेवल्स पे 184 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। और इस स्टॉक में भी आपको 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, दोनों में आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पोजिशन बेस। के लक्ष्य वाले दो बेहतरीन स्टॉक आइडियाज आईईएक्स, मेरे ख्याल से आज तो ये अपने ईयर हाईस पे आके खड़ा हो गया। इस तरह का मूव बदला, चाल बदली स्टॉक की। 183 का स्टॉप है, 198 200 के लक्ष्य है पोजिशनली। और ऐसे ही दूसरा एलएनटी फाइनेंस, जो पहले एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स था, खरीदारी करने का मन 200 के ही लक्ष्य के लिए 184, वहां पे 183 स्टॉप लॉस था, यहां पे 184 का स्टॉप लॉस लगाइए। दो बढ़िया से ट्रेड्स आपके लिए।